आज से मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ है। इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और उसके भविष्य को लेकर कई बातें कही। इस वीडियो में उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करेंगे कि कैसे भारत बाकी G20 देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत के पास अन्य देशों के मुकाबले आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता बहुत अधिक है और हमारा देश G20 ग्रुप में इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट में आए सभी निवेशकों और उद्योगपतियों का स्वागत है और भारत के विकास में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कृषि से लेकर शिक्षा तक मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अजब गजब और सजग है। आगे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट ऐसे समय पर आयोजित हुआ है जब भारत का अमृतकाल शुरू हो चुका है। हम सभी विकसित भारत के लिए जुटे हैं और हम सब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो यह हमारा ही नहीं सभी भारतीयों का संकल्प है कि भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाया जाए। वहीं पीएम मोदी ने डिफेंस और माइनिंग सेक्टर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स और अन्य कई परेशानियों को बिजनेस से हटाया है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों को प्राइवेट क्षेत्रों के लिए खोल दिया है, जिसकी मदद से कंप्लायंस के बोझ को कम किया गया है, जिसके बाद 44,000 कंप्लायंस को हटाया जा चुका है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक शाइनिंग स्टार के रूप में देखता है। वहीं विश्व बैंक का कहना है कि भारत कई अन्य देशों की तुलना में ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है और ये सिर्फ भारत के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के कारण ही संभव है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD ने कहा कि भारत इस साल G20 ग्रुप में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में शामिल होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत के IT सेक्टर की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल डेटा के उपयोग में नंबर 1 है, IT में नंबर 1 है। वहीं भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन चुका है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर कोई पॉजिटिव है और भारत एक तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहा है और तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। वहीं अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले देशों की बात करें तो 11 और 12 जनवरी को होने वाले समिट में 84 देशों के 447 रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे। इसके अलावा इस साल समिट में G20 के प्रतिनिधि, 5,000 से ज्यादा उद्योगपति और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पीएम मोदी की इस ऊर्जा से भरी बातों से ग्लोबल समिट को प्रोत्साहन मिला है और भारत के लिए पॉजिटिव विजन रखने और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कई निवेशकों को भी आकर्षित किया है। आपकी भारत के भविष्य और G20 की प्रेसिडेंसी संभालने पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें और ऐसी और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।